शिव पुराण 25वां अध्याय रुद्राक्ष महात्म्य। सूत जी कहते हैं, महाज्ञानी शिव स्वरूप शौनक, भगवान शंकर के प्रिय रुद्राक्ष का महात्म्य मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ये रुद्राक्ष परम पावन है। इसके दर्शन, स्पर्श एवं जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो स्वयं सदाशिव ने संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए देवी पार्वती को सुनाई है। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रेम वश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। पूर्व काल में मैंने मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन अचानक मेरा मन क्षुभ हो उठा और मैं सोचने लगा कि मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं। अतः मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोल दिए। नेत्र खुलते ही मेरे नेत्रों से जल की झड़ी लग गई। उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल पर्वत आदि स्थानों में रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महात्म्य बढ़ गया और वेदों में भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसीलिए रुद्राक्ष की माला समस्त पापों का नाश कर भक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जातियों में जन्मे शिव भक्त सफेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। मनुष्यों को जाति अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है। बेर के फल के बराबर को मध्यम श्रेणी का और चने के आकार के रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी का माना जाता है। हे देवी, बेर के समान रुद्राक्ष छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर है, वह सभी अनिष्टों का विनाश करने वाला तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है, वैसे ही वैसे अधिक फल देने वाला होता है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। यह संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। लोक में मणिमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला कुछ भी नहीं है। समान आकार वाले चिकने, गोल, मजबूत, मोटे, कोंटेदार रुद्राक्ष, ऊपर हुए छोटे छोटे दानों वाले रुद्राक्ष सभी मनोरथ सिद्धि एवं भक्ति मुक्तिदायक हैं। किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए टूटे फूटे कांटों से युक्त तथा जो पूरा गोल न हो, इन पांच प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग करें। जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिरोने के लिए छेद हो, वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य द्वारा छेद किया हो, उसे मध्यम श्रेणी का माना जाता है। इस जगत में व्यास से रुद्राक्ष धारण करने मनुष्य जो फल पाता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 307 दानों का हार बना ले, ऐसे तीन हार बनाकर उनका यज्ञोपवीत धारण करे। महाभागों, सिर पर ईशान मंत्र से कान में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष एवं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य यमपुर को नहीं जाता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने से करोड़ गुना फल मिलता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है एवं विद्याओं में निपुण बनाता है। चार मुख वाला रुद्राक्ष वेदाध्ययन कराता है। इसके दर्शन एवं पूजन से नर नारायण का पाप छूट जाता है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों का फल देता है। पांच मुख वाले रुद्राक्ष को कालाग्नि अर्थात पंचमुखी कहा जाता है। ये सभी कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अशुभ्र शत्रुओं को भोगने के पाप तथा भक्षण के पापों से मुक्त हो जाता है। छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। इसको सीधी बांह में बांधने से ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। समस्त रोगों रुद्राक्ष धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। सात मुखी वाला रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है। इसे धारण करने से लंबी आयु प्राप्त होती है और मरने पर शिव पद प्राप्त हो जाता है। नौ मुखी वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का स्वरूप माना जाता है और भगवती दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। इसे बाएं हाथ में धारण करने से समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। दस मुखी वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसे धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य को सब स्थानों पर
विजय मिलती है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष को बाहों में धारण करने से मस्तक पर 11 सूर्य के समान तेज प्राप्त होता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्वदेवों का स्वरूप है। इसे धारण करने से सौभाग्य और मंगल का लाभ मिलता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। इसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। हे पार्वती जी, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण के मंत्र सुनाता हूँ। 1 ओम हूनम, 2 ओम नम, 3 क्लीनम, 4 ओम ह्रीनम, 5 ओम ह्रीनम, 6 ओम हूनम, 7 ओम हूनम, 8 ओम हू, 9 ओम हूनम, 10 ओम ह्रीन हूँ, 11 ओम ह्री हूँ, 12 ओम हूनम, 13 ओम कोंक्षो, 14 ओम ह्रीनम। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को नींद और आलस्य का त्याग कर श्रद्धा पूर्वक से मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी दूर भाग जाते हैं। रुद्राधारी पुरुष को देखकर स्वर्ग में भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गंगा, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा विविधता रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती से जो कुछ कहा था वह मैंने आपको कह सुनाया है। मैंने आपके समक्ष विधेश्वर संहिता का वर्णन किया है। ये संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य से नित्य पढ़ते अथवा सुनते हैं वे पुत्र पौत्र आदि के सुख भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिवरूप होकर मुक्त हो जाते हैं। विधेश्वर संहिता संपूर्ण। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, हमारे पॉडकास्ट के इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सभी नए एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। हमें आपके फीडबैक और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है, इसलिए कृपया हमें रेटिंग और समीक्षा देकर अपनी राय जरूर बताएं। हर हर महादेव।